Good morning, today is 20th of January 2018 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला आर्टिकल यहाँ पे इंडिया इजराइल रिलेशंस के बारे में है. अभी जो विजिट हुई इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत की यात्रा पर आए, उस विजिट को इवेल्युएट किया जा रहा है इस आर्टिकल में, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को. नीचे ये आर्टिकल इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में है. इंडिया की क्रिकेट टीम जब इंडिया में मैचेस होते हैं जीत जाती है, लेकिन जब फॉरेन कंट्रीज में मैचेस होते हैं जब हार जाती है, तो उसी से संबंधित आर्टिकल है. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे. बीच में ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स के बारे में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. उसके बाद नीचे ये आर्टिकल नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के बारे में है. नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के बारे में ऑलरेडी हम 3 से 4 आर्टिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, वही पॉइंट्स इस आर्टिकल में रिपीट हो रहे हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को. उसके बाद दूसरे पेज पे ये आर्टिकल ग्राउंड जीरो है, हर सैटरडे को आता है, फैक्चुअल डिटेल्स होती है, रीजनल डिटेल्स होती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता ग्राउंड जीरो. लेकिन एक एक्स्ट्रा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्कूल में क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने से संबंधित. चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इंडिया की 6 दिनों की सफल यात्रा के बारे में बात करेंगे. जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की इस यात्रा के साथ ही भारत और इजराइल के रिलेशंस पूरी तरह से नॉर्मलाइज हो गए हैं. 1992 से पहले यानी 1992 तक हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टैब्लिश नहीं किए थे इजराइल के साथ. 1992 में हमने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टैब्लिश किए. 2003 में पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन भारत की यात्रा पर आए. उसके बाद 2015 में पहली बार भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इजराइल की यात्रा पर गए, और पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में इजराइल की यात्रा पर गए थे, और अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भारत की यात्रा पर आए. तो 25 साल पूरे हो चुके हैं जब इंडिया ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टैब्लिश किए इजराइल के साथ, और अब इंडिया और इजराइल के रिलेशंस पूरी तरह से नॉर्मलाइज्ड हैं. इजराइल के प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में सफल रही. एक अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली भारत के प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच. दोनों ने साथ मिलकर पतंग भी उड़ाई. इसके अलावा इसराइल के प्रधानमंत्री ने ताजमहल की यात्रा की. वो मुंबई में चबाड़ हाउस में गए. 26/11 में जो हमला हुआ था मुंबई में, उस समय चबाड़ हाउस में इजरायली सिटीजन्स की हत्या हुई थी, तो वहां पर भी गए इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू. इसके बाद बिजनेस की डायमेंशन आती है. मोदी ने कहा कि इसराइल और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कॉम्प्लीमेंट्री है. इंडिया के पास साइज है, इंडिया के पास स्केल है, हमारे पास लेबर फोर्स है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और इसराइल के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, शार्पनेस है, एज है. तो इंडिया और इसराइल की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ सहयोग करके आगे बढ़ सकती हैं. उसके बाद पावर की डायमेंशन आती है. इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इंडिया और इसराइल की जो पार्टनरशिप है वो नेचुरल पार्टनरशिप है, नेचुरल फ्रेंडशिप है. दोनों एक दूसरे की हार्ड पावर बनने की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं. देखो पावर दो तरीके की होती है, हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर. हार्ड पावर में कोई देश अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ की सहायता से या फिर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की सहायता से दूसरे देशों को फोर्स कर देता है, मजबूर कर देता है कि आप इस तरह का डिसीजन लीजिए. जैसे यूएसए को आपने देखा होगा कई बार यूएसए धमकी देता है कि आप ये डिसीजन लीजिए अदरवाइज हम आप पे हमला कर देंगे या फिर आप पे सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे. तो ये हार्ड पावर है, और यूएसए बहुत ज्यादा मजबूत है हार्ड पावर में, क्योंकि यूएसए की इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और मिलिट्रीली भी यूएसए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. सॉफ्ट पावर में आप क्या करते हो, सॉफ्ट पावर में आप किसी दूसरे कंट्री को फोर्स नहीं करते, आप अट्रैक्शन की सहायता से. फॉर एग्जांपल अब इंडिया की काफी ज्यादा सॉफ्ट पावर है अफगानिस्तान में. हमारी वहां पे जो मूवीज हैं बॉलीवुड, उनकी मूवीज को पसंद किया जाता है, इंडियंस को अफगानिस्तान में पसंद किया जाता है, तो हमारी सॉफ्ट पावर है. हम सॉफ्ट पावर की सहायता से अगर अफगानिस्तान को कुछ कहेंगे, हो सकता है कि अफगानिस्तान हमारी बात मान ले. हम अफगानिस्तान को धमका नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको धमकी दे रहे हैं कि हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम आपको हथियार नहीं देंगे. बस हमारी जो रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं, इंडियंस को अच्छा माना जाता है अफगानिस्तान में, हमारी सॉफ्ट पावर है. तो इस प्रकार से जो पावर का यूज किया जाता है वो सॉफ्ट पावर है. आपके भी जीवन में कोई ना कोई दोस्त की आपके ऊपर सॉफ्ट पावर काफी ज्यादा होगी. वो दोस्त आपको कोई बात कहेगा तो शायद आप उसकी बात को नहीं टालोगे. अब यहाँ पे स्लाइड में यूएसए के बारे में बताया गया है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं. देखो जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ उस समय यूएसए के पास दोनों थी, हार्ड पावर बहुत ज्यादा थी और सॉफ्ट पावर भी थी. सॉफ्ट पावर कैसे, जो वेस्टर्न आइडियाज थे उनकी काफी रिस्पेक्ट थी दुनिया में, जैसे डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, राइट्स दिए जाते हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, हॉलीवुड या फिर वेस्टर्न के कपड़े जो हैं, इन सब के प्रति काफी अट्रैक्शन था लोगों का. लेकिन
यूएसए ने 1991 के बाद हार्ड पावर पे ज्यादा रिलाई किया, अपनी सॉफ्ट पावर का यूज नहीं किया। और उसके बाद तो धीरे धीरे 2001 में अफगानिस्तान पे अटैक किया, 2003 में इराक पे अटैक किया। तो इस प्रकार से यूएसए की जो सॉफ्ट पावर थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। यूएसए के बारे में तो ये बात प्रचलित हो गई कि यूएसए तेल के लिए ये सब कुछ कर रहा है, अफगानिस्तान से इराक से यूएसए को तेल चाहिए इसलिए उसने हमला किया है इराक पे। तो यूएसए की जो सॉफ्ट पावर थी वो खत्म हो गई, ये एक एग्जाम्पल है। कई बार ये डिबेट भी चलती है कि सॉफ्ट पावर ज्यादा अच्छी है या हार्ड पावर। देखो, एक लेवल के बाद ज्यादा आप सॉफ्ट पावर की सहायता से किसी दूसरे देश को मजबूर नहीं कर सकते अपने पक्ष में डिसीजन लेने के लिए। अब अफगानिस्तान में हमारी सॉफ्ट पावर है तो हो सकता है कि कुछ लेवल तक तो अफगानिस्तान हमारी बात मान ले, लेकिन एक लेवल के बाद तो अफगानिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलेगा ना। जबकि अगर किसी की हार्ड पावर है तो फोर्स के दम पे तो किसी देश को झुकाया जा सकता है, लेकिन आजकल वैसे ज्यादा जमाना है स्मार्ट पावर का। हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर, दोनों पावर्स होनी चाहिए किसी भी देश के पास। इसीलिए जो चाइना है, आपने देखा होगा चाइना के पास हार्ड पावर अब काफी ज्यादा है, मिलिट्रीली काफी स्ट्रांग हो चुका है चाइना और इकोनॉमिकली भी काफी स्ट्रांग हो चुका है चाइना। अब सॉफ्ट पावर कमाने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे अपनी इमेज को चेंज कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसी का एक हिस्सा है। चाइना अपनी ये इमेज दिखाना चाहता है वर्ल्ड में कि हम दूसरे देशों की सहायता कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम उनको फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो डेवलप हो सके। इस प्रकार से चाइना अब अपनी जो इमेज है वो धीरे धीरे चेंज कर रहा है। पहले चाइना की जो इमेज थी वो एग्रेसिव थी, किसी भी देश के साथ चाइना का झगड़ा हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे चाइना अब उस इमेज को चेंज कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिया हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर से संबंधित। अब देखो, इजराइल के प्रधानमंत्री ने यह कहा था, इंडिया और इजराइल एक दूसरे की हार्ड पावर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। सॉफ्ट पावर नहीं कहा इजराइल ने, इजराइल के प्रधानमंत्री ने, क्योंकि इजराइल की सॉफ्ट पावर है ही नहीं। इजराइल की तो इमेज काफी खराब है कि इजराइल वहां पे पैलेस्टीन के लोगों पे अत्याचार करता है, एट्रोसिटीज करता है। तो इजराइल की सॉफ्ट पावर नहीं है, इंडिया की सॉफ्ट पावर काफी ज्यादा है। उसके बाद पीस प्रोसेस की बात आती है, अगली डायमेंशन आता है पीस प्रोसेस का। जब देखो, भारत के प्रधानमंत्री 2017 जुलाई में गए थे इजराइल की यात्रा पर, उस समय तो पीस प्रोसेस पे बात नहीं हुई थी, लेकिन अब इजराइल के प्रधानमंत्री आए हैं इंडिया की यात्रा पर तो पीस प्रोसेस पे बात हुई। इंडिया ने कहा इजराइल को कि जल्द से जल्द आप पीस प्रोसेस स्टार्ट कीजिए पैलेस्टीन के साथ, ताकि इस पूरे वेस्ट एशिया के रीजन में स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश की जा सके। क्योंकि देखो, इंडिया की जो रिलेशनशिप है अब दोनों के साथ अच्छी है, पैलेस्टीन के साथ भी, इजराइल के साथ भी। इंडिया अपनी इस रिलेशनशिप का यूज कर सकता है, इंडिया अपने इस लीवरेज का यूज कर सकता है दोनों देशों को बातचीत की टेबल पे लाने के लिए। इसीलिए जॉइंट स्टेटमेंट में पीस प्रोसेस को रिज्यूम करने की बात की गई। देखो, अभी भारत के प्रधानमंत्री पैलेस्टीन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है रामल्ला, वहां पे जाएंगे। इसके अलावा जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय वो भी भारत की यात्रा पर आएंगे। जॉर्डन के जो किंग है अब्दुल्ला द्वितीय, वो जेरूसलम में होली साइट्स के कस्टोडियन हैं। इसके अलावा अरब वर्ल्ड की तरफ से पीस प्रोसेस को जॉर्डन के किंग ही लीड कर रहे हैं। इसके लिए जो जॉर्डन के किंग है उनकी विजिट काफी अहम होगी इंडिया में। इसराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट को किस प्रकार से सुलझाया जाए, किस प्रकार से पीस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट किया जाए, इन सब बातों पर चर्चा होगी जब जॉर्डन के किंग भारत की यात्रा पर आएंगे। तो इसीलिए इंडिया बिल्कुल सही ट्रैक पे है। इंडिया ने इसराइल के प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान इसराइल को कहा कि आप पीस प्रोसेस को फिर से स्टार्ट कीजिए, लेकिन ये आसान नहीं होगा। क्योंकि देखो, अभी जो इसराइल की डिस्पेंसेशन है, करंट जो इसराइल के प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उनकी तो आइडियोलॉजी इस प्रकार से है कि स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव करेगा, वीक सर्वाइव नहीं करेगा। आपको स्ट्रॉन्ग होना ही होगा, अंत में स्ट्रॉन्ग के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, पीस इस्टैब्लिश की जाती है स्ट्रॉन्ग के साथ, लेकिन वीक को इग्नोर किया जाता है। कहने का एसेंस ये है, करंट डिस्पेंसेशन का ये मानना है कि वहां पे सिर्फ एक ही देश बने इसराइल, जो पहले दो स्टेट्स का सोल्यूशन निकल के आया था, दो स्टेट्स का निर्माण होना चाहिए, एक इसराइल का एक पैलेस्टीन का, इस पीस सॉल्यूशन को नहीं मानते अभी इसराइल की जो डिस्पेंसेशन है, अभी इसराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं सिर्फ एक ही देश बने और वो भी जूस के लिए। तो इसीलिए जो पीस प्रोसेस है वो आसान नहीं होगी, लेकिन इंडिया जो कुछ कर रहा है, इंडिया बिल्कुल सही ट्रैक पे है। इंडिया को बैलेंस इस्टैब्लिश करते रहना चाहिए मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं और दूसरी तरफ इसराइल के साथ। तो काफी सफल रही इसराइल के प्रधानमंत्री की ये इंडिया की यात्रा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स से संबंधित है, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल। साल के शुरुआत में ट्रंप ने अपनी ट्वीट में पाकिस्तान को धमकी दी। ट्रंप ने कहा, या तो पाकिस्तान आतंकवादी ग्रुप्स जैसे हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे, अदरवाइज यूएसए जो एड देता है पाकिस्तान को वो सारी एड बंद कर देगा। पिछले 15 सालों में यूएसए ने पाकिस्तान को $33 बिलियन की एड दी है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि इस एड के बदले में पाकिस्तान ने हमें सिर्फ धोखा और झूठ दिए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है। तो ट्रंप की इन ट्वीट्स के, इन स्टेटमेंट्स के क्या मायने निकाले जाएं?
कुछ एक्सपर्ट्स तो ये कह सकते हैं कि साउथ एशिया के रीजन में अमेरिका अपनी लीवरेज, अपना दबदबा खो रहा है। तो इन स्टेटमेंट से अमेरिका अपना दबदबा फिर से कायम करना चाहता है साउथ एशिया के रीजन में, क्योंकि देखो चाइना अब काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस रीजन में। चाइना धीरे धीरे अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर रहा है। इसके अलावा अब चाइना अफगानिस्तान में जो वार चल रहा है वहां पे भी आउटकम में इंटरेस्टेड है। पहले चाइना इंटरेस्टेड नहीं था अफगानिस्तान में बिल्कुल भी, लेकिन अब इंटरेस्टेड हो गया है। तो इसीलिए यूएसए अब इस प्रकार से पाकिस्तान को धमका के इस पूरे रीजन में अपना जो डोमिनेंस है वो फिर से इस्टेब्लिश करना चाहता है। लेकिन क्या पाकिस्तान बात मानेगा यूएसए की? अभी देखो पाकिस्तान के हालात इस प्रकार से हैं कि वहां पे जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं इस साल के अंत में, तो ये उम्मीद कम ही है कि पाकिस्तान अमेरिका की बात मानेगा और आतंकवादी ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और वैसे भी आतंकवाद तो पाकिस्तान का एक अहम टूल रहा है अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। तो देखो अभी पाकिस्तान को यह लग रहा है ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं, वो यूएसए की स्टेटमेंट्स नहीं है। अभी भी यूएसए को जरूरत है, आवश्यकता है पाकिस्तान की अफगानिस्तान में वार लड़ने के लिए। इसीलिए यूएसए एक लेवल के बाद ज्यादा संबंध खराब नहीं करेगा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को यह लगता है पहले भी यूएसए ने इस प्रकार का कड़ा स्टैंड लिया था, लेकिन बाद में अपनी अप्रोच को सॉफ्ट बनाना पड़ा था यूएसए को। और इस बार भी यूएसए अभी जो स्ट्रिक्ट स्टैंड है पाकिस्तान के अगेंस्ट में यूएसए का, वो धीरे धीरे आगे सॉफ्ट हो जाएगा। तो यह लगता है अभी पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को। देखो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे दोनों देशों से फायदा हो रहा है, यूएसए से भी चाइना से भी। चाइना का प्लान यह है कि सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सहायता से चाइना पाकिस्तान में $46 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, जबकि यूएसए से भी पाकिस्तान को पिछले 15 सालों में मदद मिल रही है। अभी तक यूएसए ने पिछले 15 सालों में $33 बिलियन की मदद पाकिस्तान को दे दी है। अब देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन है अपने आप में। एक तरफ तो चाइना और यूएसए के बीच में कंपटीशन है सुपर पावर बनने के लिए, और दोनों देश धीरे धीरे कोल्ड वार की तरफ अग्रसर होंगे। जिस प्रकार का कोल्ड वार चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में 1990 से पहले सुपर पावर बनने के लिए, अब उसी प्रकार का कोल्ड वार चल सकता है यूएसए और चाइना के बीच में, जबकि पाकिस्तान दोनों नावों में सवार था, दोनों का फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। लेकिन हो सकता है कि इस स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि अब यूएसए ने स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया है, पाकिस्तान मानेगा नहीं, पाकिस्तान डेफिनेटली आतंकवादी ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। क्योंकि देखो बात एड की नहीं है, एड तो अब चाइना भी पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा, बात है सैंक्शंस की। सैंक्शंस अमेरिका लगा देता है तो इससे ज्यादा नुकसान होता है। और दूसरा अभी पाकिस्तान क्या चाहता है, तालिबान के ऊपर लिवरेज है पाकिस्तान की, पाकिस्तान तालिबान का यूज करता है, तालिबान को प्रॉक्सी की तरह, प्यादे की तरह इस्तेमाल करता है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में इनडायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश करना चाहता है पाकिस्तान। अब अगर तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो डेफिनेटली अफगानिस्तान में जो लिवरेज है पाकिस्तान की वो खत्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कभी नहीं चाहेगा। तो ये बात तो साफ है, कार्रवाई तो पाकिस्तान नहीं करेगा तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के अगेंस्ट में। तो अमेरिका के रिलेशंस खराब हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ। क्या चाइना साथ देगा? क्या चाइना भी अपने रिलेशंस खराब करेगा अमेरिका के साथ पाकिस्तान की वजह से? नहीं, कभी भी नहीं। देखो यूएसए और चाइना आपस में कंपिटीट जरूर कर रहे हैं सुपर पावर बनने के लिए, लेकिन उनके रिलेशंस का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। कुछ हद तक दोनों देश एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे यूएसए ने रिक्वेस्ट की चाइना से कि आप नॉर्थ कोरिया को कब कीजिए, और चाइना की जो इकोनॉमी है वो भी कुछ हद तक, ज्यादा नहीं, कुछ हद तक यूएसए पर डिपेंड करती है। अगर यूएसए की इकोनॉमी कोलैप्स करती है तो चाइना की इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ेगा। तो कुछ हद तक, टू स्मॉल एक्सटेंट वी कैन से डैट, दोनों देश एक दूसरे पर रिलाय करते हैं, डिपेंड करते हैं। दोनों के रिलेशंस का जो स्कोप है वो बड़ा है, और पाकिस्तान सिर्फ एक पॉइंट है, पाकिस्तान सिर्फ एक प्यादा है। पाकिस्तान की वजह से चाइना कभी यूएसए के साथ रिलेशंस खराब नहीं करेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर यूएसए के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा करीब चला जाएगा चाइना के, तो वो सिर्फ चाइना की बात मानेगा, यूएसए अपनी लिवरेज पूरी तरह से खो देगा पाकिस्तान में, ये हो सकता है। अब इंडिया का क्या एंगल है इस पूरे तिकड़मबाजी में? देखो इंडिया शुरुआत में तो हमें, मतलब ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल हमें ये लग सकता है जो न्यूज चैनल्स भी दिखाते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकाया तो इंडिया को इससे फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया को नुकसान होगा और ज्यादा ही नुकसान होगा। कैसे? कई सारे पॉइंट्स हैं। देखो सबसे पहले इंडिया कई बार इनडायरेक्ट सहारा लेता था यूएसए का पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए कि वो आतंकवादी जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करे, और थोड़ी बहुत बात मान लेता था पाकिस्तान, बात नहीं माने तो भी थोड़ा बहुत यूएसए से प्रेशर तो फील करता ही था। लेकिन अभी अगर यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशंस ही खराब हो गए तो हम भी यूएसए को नहीं कह सकेंगे कि यूएसए पाकिस्तान को बोलिए कि वो आतंकवाद ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई कीजिए,
क्योंकि रिलेशन तो खराब हो ही चुके हैं यूएसए और पाकिस्तान के, तो इसलिए हम अपनी लिवरेज खो देंगे, हम यूएसए को कह नहीं सकेंगे पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए। इवन देखो, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कारगिल जैसा कंफ्लिक्ट हो जाता है जैसे 1999 में हुआ था, तो उस समय तो यूएसए ने मध्यस्थता की थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंफ्लिक्ट को सुलझाने के लिए। उस समय यूएसए के रिलेशंस दोनों के साथ ठीक ठाक थे, इंडिया के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। उस समय यूएसए ने जो भूमिका निभाई थी, कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं वो प्रो इंडिया थी। लेकिन अब अगर पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस खराब हो जाते हैं और कल को मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, तो कौन देश ऐसा होगा जो कंफ्लिक्ट को सुलझाने के लिए मध्यस्थता कर सकता है? तो कुछ एक्सपर्ट्स कह सकते हैं कि चाइना निभा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान बात मानता है चाइना की और चाइना के साथ हमारे रिलेशंस इतने खराब नहीं है। लेकिन देखो, चाइना कभी भी प्रो इंडिया की भूमिका नहीं निभाएगा जैसे यूएसए ने निभाई थी 1999 में। पाकिस्तान हमेशा प्रो पाकिस्तान भूमिका निभाएगा अगर किसी प्रकार की मीडिएशन करता है चाइना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद पॉइंट आता है कि ऑलरेडी चाइना और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा मजबूत हैं। अगर पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस खराब होते हैं तो पाकिस्तान और भी करीब चला जाएगा चाइना के, तो इससे इंडिया को नुकसान होगा। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट की बात करते हैं। अभी देखो, इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया रीजन में एक एक्सिस देखने को मिल रही है। पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ईरान, ये सारे देश एक साथ आते जा रही हैं। ये सारे देश अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तालिबान को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी एक्सिस बन रही है यूएसए की, इंडिया की, और दूसरी तरफ आप ऑस्ट्रेलिया, जापान जो क्वाड ग्रुप बना था वो मान सकते हैं, या फिर वेस्टर्न कंट्रीज मान सकते हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे जो देश हैं अभी इन्होंने खुल के वेस्टर्न कंट्रीज की जो एक्सिस हैं, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्टली इंडिया भी कहीं ना कहीं शामिल होता जा रहा है, उस एक्सिस में ब्रिटेन, फ्रांस, इन्होंने आने की अभी घोषणा नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई ग्रुपिंग बनती है, दो ग्रुपिंग बनती है, तो ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे जो देश हैं वो यूएसए का ही साथ देंगे, चाइना या फिर रशिया इन देशों का साथ नहीं देंगे। तो इंडिया अगर इनडायरेक्टली इस ग्रुपिंग में शामिल हो जाता है, यूएसए वाली ग्रुपिंग में, तो इंडिया को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया के रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाएंगे रशिया के साथ, इंडिया के रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाएंगे चाइना के साथ, इंडिया के रिलेशंस और ज्यादा खराब हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ, जो इंडिया कभी भी नहीं चाहता। इसीलिए इंडिया को अभी ऐसी डिप्लोमेसी की आवश्यकता है कि इंडिया यूएसए के साथ रिलेशंस ठीक तो करे, अच्छे तो करे, लेकिन रशिया के साथ, चाइना के साथ, ईरान के साथ, इन देशों के साथ इंडिया अपने रिलेशंस खराब ना करे। इसके लिए लॉन्ग टर्म सोच चाहिए, इसके लिए डिप्लोमेटिक एक्यूमेंट चाहिए, जो इंडिया को अभी निभाना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल स्कूल्स में बच्चों की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने से संबंधित है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक में कवर होगा ये आर्टिकल। क्या कंटेस्ट है? दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया कि दिल्ली में सभी स्कूल्स में बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। आर्टिकल क्रिटिसाइज करता है इस डिसीजन का। आर्टिकल कहता है कि देखो, इससे नुकसान होगा बल्कि फायदा नहीं होगा, बच्चों की सेफ्टी इससे इंश्योर नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने कहा कि बच्चों को रियल टाइम मॉनिटर किया जा सकेगा सीसीटीवी कैमरास की सहायता से। लेकिन आर्टिकल कहता है, देखो, स्कूल्स में बच्चों और टीचर्स के बीच में एक अलग से रिलेशनशिप होती है। आजकल इंफॉर्मेशन एज है, इंटरनेट का जमाना है, आजकल बच्चे किसी भी प्रकार की जो नॉलेज है वो हासिल कर सकते हैं। इसीलिए जो स्पेशल रिलेशनशिप होती है टीचर्स और बच्चों के बीच में, वो बच्चों के नेचर को, बच्चों के करेक्टर को डेवलप करती है। लेकिन अभी सीसीटीवी कैमराज लगा के तो आप सबकी निगाहों से देख रहे हो, बच्चों को भी और टीचर्स को भी। इससे तो मैसेज ये जाएगा कि ट्रस्ट डेफिसिट है पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, और जबकि स्कूल एजुकेशन के लिए पेरेंट्स का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है टीचर्स में। हालांकि इंटेंशन सही है दिल्ली सरकार की, इंटेंशन इसलिए सही है क्योंकि हाल फिलहाल में काफी सारे इंसिडेंट सामने आए, जैसे रियान इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे की हत्या कर दी गई थी। तो इंटेंशन सही है सीसीटीवी कैमराज, आप सीसीटीवी कैमराज लगाइए, लेकिन क्लासरूम से मत लगाइए। इस प्रकार से आप बच्चों को, टीचर्स किस प्रकार से, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, रियल टाइम बेसिस पे बच्चों को मॉनिटर मत कीजिए। स्कूल के क्लासरूम से बाहर सभी जगह पे आप कैमराज लगाइए। इसके अलावा आपको बहुत कुछ करना होगा बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, और ट्रस्ट कायम रहे पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में। और बच्चों की सेफ्टी कैसे इंश्योर हो सकती है? सभी स्टेक होल्डर्स, जैसे स्कूल अथॉरिटीज, टीचर्स, पेरेंट्स और इवन गवर्नमेंट भी, जब ये सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करेंगे तो बच्चों की सेफ्टी इंश्योर हो सकती है स्कूल्स में। तो ये पूरा आर्टिकल था दिल्ली सरकार के उस निर्णय के बारे में, जिसमें उन्होंने फैसला किया है कि दिल्ली में सभी स्कूल्स के क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किया जाएगा बच्चों को रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटर करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन है,
एग्जामिन हाउ एंड वाई इज इंडिया नीड्स टू बैलेंस इट्स रिलेशंस विद पैलेस्टीन एंड इजराइल। सिंपल क्वेश्चन आपको ये बताना है कि इंडिया को इजराइल और पैलेस्टीन के बीच रिलेशंस बैलेंस करने की क्यों आवश्यकता है। उसके बाद क्वेश्चन है, सिक्योरिटी के दो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म हैव स्ट्रॉन्ग इंटरलिंकेजेस इलस्ट्रेट। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म के बीच में इंटरलिंकेजेस हैं और काफी मजबूत इंटरलिंकेजेस हैं। इस स्टेटमेंट को आपको इलस्ट्रेट करना है 250 वर्ड्स में। उसके बाद लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज ऑफ इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट हाईलाइट्स लिंकेजेस बिटवीन वायलेंस रिमोटनेस अंडर डेवलपमेंट एंड एलियनेशन। ये सारे रीजंस बता रखे हैं कि इन रीजंस के बीच में इंटरलिंकेजेस हैं जिसकी वजह से काफी लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी जारी है। आपको इलाबोरेट करना है और कुछ कोरेक्टिव मेजर्स भी बताने हैं, यानी गवर्नमेंट जो अभी अप्रोच अपना रही है उसके अलावा आप कुछ कोरेक्टिव मेजर्स आपको बताने हैं ताकि इंसर्जेंसी जो चल रही है नॉर्थ ईस्ट में उसे रोका जा सके। इस क्वेश्चन को भी आपको 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट करना है। कोट है आज ऐसे का, All persons ought to endeavor to follow what is right and not what is established. Aristotle ने ये बात कही थी। देखो, सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि जो सही है उसको फॉलो किया जाए, ना कि उसको फॉलो किया जाए जो established है। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल सती प्रथा। पुराने समय में सती प्रथा थी, अगर सती प्रथा को सभी फॉलो करते रहते तो वो आज भी चली आती, लेकिन राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई। जो सही था उसके लिए राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई और सती प्रथा को खत्म किया गया। इसीलिए हमें जो सही है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। ज्यादा लोग जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। जिस चीज को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं कई बार वो चीज गलत भी हो जाती है, इसीलिए हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने यही आर्टिकल डिस्कस किया, नहीं, सबसे पहले हमने इंडिया इजराइल के बीच का जो आर्टिकल था इसे डिस्कस किया था, किस प्रकार से इंडिया और इजराइल की जो रिलेशनशिप अब नॉर्मलाइज हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्यू आए थे भारत की यात्रा पर और सफल रही ये यात्रा। उसके बाद हमने साउथ एशिया का आर्टिकल डिस्कस किया, साउथ एशिया में जियो पॉलिटिक्स किस प्रकार से शेप ले रही है, नई फाइट लाइन्स इमर्ज हो रही है, यूएसए ने जिस प्रकार से स्ट्रिक्ट स्टैंड लिया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस किस प्रकार से शेप लेते हैं, उसी पर डिपेंड करेगी साउथ एशिया की जियो पॉलिटिक्स। उसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया दिल्ली सरकार का जो निर्णय है, दिल्ली सरकार ने डिसीजन लिया है स्कूल्स में क्लासेस में सीसीटीवी कैमरास इस्टेब्लिश किए जाएंगे बच्चों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, और आर्टिकल ने क्रिटिसाइज किया दिल्ली सरकार के इस डिसीजन का। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।